नमस्कार, मैं असगर अली, आप देख रहे हैं थार मीडिया। अभी पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है और जनप्रतिनिधि वो अपने स्तर पर लोगों से प्रचार कर रहे हैं और लोगों को विश्वास में ले रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं सिंथल से वार्ड नंबर 10 से बसपा प्रत्याशी रघुवीर सिंह जी, जो सरपंच गणेश दान जी बिटू के भाई हैं। आज हम इनको जानेंगे कि क्या है इनकी विजन और उनको क्या लगता है कि लोगों के क्या मत हैं। राय लेते हैं गणेश दान जी बिटू से, जो इन रघुवीर जी जो प्रत्याशी इनके भाई हैं बसपा प्रत्याशी। राम राम साहब, मेरा विजन ये है, मैं अपने छोटे भाई को बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 10 पंचायत समिति बीकानेर, जो कि नापासर में पड़ता है, वहाँ से चुनाव लड़ा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई को चुनाव लड़ाने का मेरा मकसद यही है कि नापासर के अंदर जो पट्टे के नाम पर राजनीति होती है, जो पट्टे के नाम पर उद्योग चलता है, जिसमें कहते हैं पट्टा उद्योग, यहाँ पर पट्टे का उद्योग है, पट्टा बनाना है इतने रुपए लगेंगे, NOC लेनी है इतने रुपए लगेंगे, फिक्स एक प्राइज है। मेरा ये मकसद है कि जैसे मैंने मेरे गाँव के अंदर सुधार किया है, एक रुपये का कोई लेन देन नहीं है, पारदर्शितापूर्ण तरीका है, ठीक उसी प्रकार नापासर भी मेरा गाँव है, मेरा पड़ोसी है, मैं यहाँ पर हर तरीके के मुद्दे में सक्रिय रूप से भाग लेता रहता हूँ। जैसे स्टेशन का मामला हुआ गाड़ी के ठहराव को लेकर के, तो पूर्व सरपंच जो घनश्याम भाई आशोपा सर भी हैं, उनके साथ मैंने 6 दिन तक अनशन करके नापासर की समस्या के समाधान के लिए उनके साथ आमरण अनशन करके और उस समस्या का समाधान करवाया। उसके अलावा बीकानेर से गुंडा तत्व ना करके एक राजू जी सोनी है, उनके हाथ पाँव तोड़ दिए थे, उसमें मैंने 13 दिन तक नापासर की आम आवाम के साथ और जनता के साथ थाने के सामने अनशन धरना करके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसके अलावा पिछले 6-7 साल पहले भी एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था, उसमें भी मैंने हिसाब से जो जमानतें कराने लोग थे उनकी जमानतें कराई। और नापासर का छोटा मोटा कोई भी काम होता है, उनको ऐसा लगता है कि भी गणेश दान के पास जाएंगे और वो हमारी कोई मदद करेगा। तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, वकालत करता हूँ, राजनीति से और पंचायत राज से 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 13 नहीं है इनकी 14 साल हो गए। तो मैंने इस सोच करके मेरे छोटे भाई को बसपा से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो कपड़ा व्यवसायी है और दिल्ली रहता है। मैं मुद्दों की राजनीति करने के लिए मेरे छोटे भाई को चुनाव लड़ाने के लिए आया हूँ और मैं जितनी भी मेरे बहुजन हैं, जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, उनको तो मैंने निवेदन किया है और उन लोगों को कन्विंस करके मैंने अपने साथ में जोड़ा है और उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया है और वो मेरे साथ तन मन और धन से लगे हुए हैं और हमारे भाई को चुनाव जिताने के अंदर लगे हुए हैं। और रही बात नापासर के अंदर जो समस्याएं हैं, जैसे नाली की समस्या है, शिविर की समस्या है, सड़क की समस्या है, इन समस्याओं के समाधान के लिए अगर मेरे भाई को जनता जनार्दन चुनती है आगामी 27 तारीख को, मैं अक्सर से उनका पालन करूंगा और उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। इसके अलावा जो पट्टा उद्योग है, तामीर इजाजत है, NOC है, वारिस प्रमाण पत्र है, उसको लेकर पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार चलता है उसको रोकने का काम करूंगा। इसके अलावा एक और निवेदन है मेरा, नापासर हमारा बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है, तकरीबन 24-25 गांव है उनके, यहाँ पर पहुंच है रोजाना की, जिसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं ढूक है। सामान लेने के लिए यहाँ आना है, पढ़ने के लिए यहाँ आना है, स्टेशनरी लेने के लिए यहाँ आना है, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की खरीद करनी तो भी यहाँ आना है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा विजन है आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है उन पर दबाव बनाए, दबाव बना करके जो भी काम कर सकते हैं अपन और जनता जनार्दन को और 36 कौम को साथ में लेकर के, तो नापासर के अंदर हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा कॉलेज बनाने का। मैं ये चाहता हूँ, देशनोट के अंदर कॉलेज बन गई है, बज्जू के अंदर बन गई है, कोलायत के अंदर बन गई है, तो वो तीनों ही देशनोट को नगर पालिका है, बज्जू पंचायत एरिया है, कोलायत पंचायत एरिया है, तो ये इतनी बड़ी पंचायत है नापासर जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें क्या यहाँ पर कॉलेज सुवाती नहीं है या कोई शोभा नहीं देती है? तो मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र के युवाओं को, हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को, महिलाओं को, विशेषकर अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कुछ बच्चियां ऐसी होती है जो गांव के अंदर, हम ये सोचते हैं हम भाई शहर नहीं भेजेंगे, हम बीकानेर नहीं भेजेंगे, इसलिए अपन उनकी पढ़ाई को ड्रॉप करवा देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा जो सपना है, मेरा सबसे बड़ा विजन है कि नापासर के अंदर कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले और हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे पढ़ें और यहां से उनको 30 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़े। इसके अलावा जो नापासर की हॉस्पिटल है वो कम से कम 20-25 गांवों को सुविधाएं देती है, लेकिन सुविधा के नाम पे उस पर 0 है। और वो तो पहले रेफरल हॉस्पिटल थी, क्या थी? रेफरल हॉस्पिटल, उसको घटा करके इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। तो मेरा ये सबसे बड़ा मुद्दा, मेरा सबसे बड़ा विजन ये रहेगा कि मैं इसको पुनः, अगर जनता जनार्दन हमें चुनती है तो हम इसको वापस रेफरल हॉस्पिटल घोषित कराएं, ताकि उससे हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके और हर तरीके के
जो यहाँ पर है, डॉक्टर लगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगे, ताकि अपने लोगों को बीकानेर जाकर के लाइन में नहीं लगना पड़े और उचित समय पर अपने को इलाज मिले। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है। अब इस बात को लेकर के मैं जनता के बीच आया। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो आपको नहीं लगता है क्या कि अगर थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अभी बसपा प्रत्याशी और बसपा टिकट है? टिकट जनता की होती है और जनता जिसको मत देती है, मत जनता के हाथ में, टिकट उन आला कमान के और कुछ चापलूसों के चंद लोगों के हाथ में है, वोट इन सब के हाथ में है। 9000 लोग वोट नहीं बांट, टिकट नहीं बांटते हैं, टिकट एक व्यक्ति को ही मिलती है। और वो हो सकता है किसी चाटुकार को दे दे, किसी दलाल को दे दे, किसी एजेंट को दे दे, लेकिन वोट ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, इनके पास है, इनके घर पे है, वोट ही हमें देंगे। हमें किसी भी प्रकार की कोई पार्टी से लेकर के कोई मशक्कत करनी पड़े, जनता हमारे साथ, हमें टेंशन ही नहीं है। और फिर बसपा को अपन छोटी पार्टी क्यों मानते हैं, जिस पार्टी के अंदर बाबा साहब भीमराव जी का सपना है और उनको लेकर के विजन प्रस्तुत है और उनकी पार्टी है, उनको और उनके आदर्शों को मानने वाली पार्टी है, फिर मैं कांग्रेस से कमजोर कैसे हूं? और बसपा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजस्थान के अंदर भी बसपा के इतने इतने विधायक जीतते हैं और बड़ा वोट बैंक है इसका खुद का, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई बार इनकी सरकारें रही हैं। तो मेरे पास पार्टी का सिंबल है और राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल है, और उससे बड़ा ही सिंबल मेरी इस जनता का है और छत्तीस कौम का सिंबल है। मुझे किसी भी प्रकार की, और मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं, बताता हूं आपको बात कि कांग्रेस का तो पड़ा ही नहीं मंडेगा यहां पर, बसपा का ही मंडेगा, ये बात ध्यान रखना। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आप अपना जीत का मुख्य लक्ष्य क्या मानते हैं? जीत का आप मुख्य आधार क्या है, आपको क्या लगता है कि जीत का मुख्य आधार ये है? जितने भी दलित वर्ग के जितने वोट हैं वो तो मेरे को सीधे मिल रहे हैं, आप ये समझ लो, वो तो मेरे को पुरस्कार ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को पिछले 15 सालों से परखा है। सिंथल और नापासर अलग नहीं है। जैसे सिंथल के अंदर मेरे साथ कोई धन्ना सेठ बाहुबली या कोई जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं वो नहीं है, मेरे साथ तो यही है, जितनी फौज है ना, ये फौज मेरी तो सपोर्ट करती है। तो यही लोग नापासर में इनके रिश्तेदार हैं, इनके मिलने वाले हैं, मेरे पास आते जाते रहते हैं, मैं इनकी इमदाद करता हूं। तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य यही है और यही मेरी ताकत है, यही मुझे जिताएंगे। प्रत्याशी रघुवीर सिंह जी से चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा बना रहे, भाईचारा बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, और हमारे साथ 36 कौम है, इनका समर्थन है हमारे साथ, और भाई साहब ने जो कहा है वादों पे खरे उतरेंगे। तो ये थे बसपा प्रत्याशी, को पूरा विश्वास भी है कि जनता हमें पूरा मत देगी, और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ कर देंगे। धन्यवाद।